नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी स्टडी में। तो RRB NTPC एग्ज़ाम डेट्स के लिए और SSC रिजल्ट के लिए जिस प्रकार से सोशल मीडिया ट्विटर पर हम सभी ने घेरने का काम किया था, सरकार को, रेलवे बोर्ड को, SSC को, तो अब रिजल्ट और उसकी कामयाबी मिलती नज़र आ रही है और उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। छात्रों के संघर्ष का रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, आप देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिप्टी लीडर ऑफ द राज्यसभा ऑफिस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम ट्विटर पे हैं और यहाँ पे आज आप पीयूष गोयल ने कुछ समय पहले देख रहे हैं ट्वीट किया है। आप देख सकते हैं लगभग 49 1 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट किया कि रेलवे में विभिन्न पदों की सभी 3 श्रेणियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के आवेदनों की जाँच पूर्ण की जा चुकी है। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। यहाँ पे आप उनका देख सकते हैं। यू नो दैट वी हैड इनवाइटेड सम एप्लीकेशंस फॉर रिक्रूटमेंट इन वेरियस कैटेगरीज and we had notified around 1,40,640 posts. The vacancies which were notified, it was notified pre-COVID, 1,40,640 vacancies, and basically there were three types of vacancies. One was non-technical popular categories, another was isolated and ministerial categories, and another was level one. That is track maintainers, pointsmen, and various level one employees. So we had invited applications for these three categories, and for 1,40,640 vacancies, we received 2 crores. 2,42,00,000 applications we received for 1,40,640 vacancies, and scrutiny of all these 2.42 crore applications was completed, and then due to COVID we could not conduct this exam, because for all these vacancies a computer based test is to be conducted. Now considering